हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे हैं पंकज एडुटेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड TG2 वैकेंसीज को लेकर के, JEE वैकेंसीज को लेकर के, AE वैकेंसीज को लेकर के, और दोस्तों यहां पर इसके अलावा ट्यूबवेल ऑपरेटर और जितने भी अपकमिंग भर्तियाँ हैं उसको लेकर दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। स्पेशली यह वीडियो उन ITI के छात्रों के लिए है जो कल यहाँ पर कल शक्ति भवन में ज्ञापन को लेकर के या फिर धरना प्रदर्शन को लेकर के कल इकट्ठा हो रहे हैं, उन सब के रिगार्डिंग दोस्तों स्पेशली वीडियो है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को फुल वॉच करना। चैनल पर दोस्तों नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेना। देखो दोस्तों, बहुत लोगों ने कहा था कि सर आप आओ वहाँ पर शक्ति भवन लखनऊ में, मैं बिल्कुल आता, लेकिन दोस्तों मैं अभी यहाँ पर नागपुर में हूँ, नागपुर के एक सिटी में हूँ अभी, जो कि यहाँ से लगभग 1200 से 1500 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों मैं नहीं आ सकता, और अगर मैं लोकल में होता, अगर मैं उत्तर प्रदेश में होता तो मैं ज़रूर आ जाता, इलाहाबाद के आसपास होता या फिर लखनऊ या फिर आसपास के, मैं बनारस तक होता तब भी मैं चला आता, लेकिन मैं काफ़ी दूर हूँ दोस्तों, जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकता। कल का जो धरना प्रदर्शन है, कल ज्ञापन है TG2 भर्ती को लेकर के, हम सभी साथियों को बधाई देते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। एक काम करना, जितने भी छात्र जा रहे हैं आप सभी जो है एक हैंड रिटन एक पेज जो है ज्ञापन सेक्रेटरी सचिव के नाम से, ठीक है, शक्ति भवन में पावर कॉर्पोरेशन विभाग के नाम से आप लोग लिख लेना, और उसको जो है लिख करके ही जाना। एटलीस्ट वहां पर अगर 100-200 ज्ञापन मिल जाएगा तो उनको लगेगा कि हाँ ठीक है। मैं तो कहूँगा कि जितने भी छात्र यहाँ पर आस पास के शहर के लोग रहने वाले हैं, जैसे कि आप प्रयागराज के रहने वाले हो, जौनपुर के रहने वाले हो, वाराणसी तक के हो, और रायबरेली के हो, लखनऊ के हो, कानपुर के हो, आप लोग सब लोग पहुँचे वहाँ पर, क्योंकि अगर आप यही समझ के पहुँचिए, क्योंकि एक भर्ती आ रही है, मैं किसी भी एग्ज़ाम की किसी परीक्षा में किसी भर्ती का परीक्षा देने जा रहे हो आप, ठीक है, यही समझ करके आप जो है वहाँ पर पहुँचो, और आप जितनी अधिक संख्या हो सके उतनी संख्या बनाओ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भर्ती है ये मुझे नहीं लगता, जिस तरह से चुप्पी साधक बनाया गया है विभाग द्वारा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आचार संहिता से पहले भर्ती आ पाएगी। कुछ ना कुछ उनको पता बताना पड़ेगा, या फिर होता क्या दोस्तों ना कि जो बड़ी बड़ी भर्तियाँ हैं गवर्नमेंट का फोकस उस पर होता है, क्योंकि जो आचार संहिता जो इलेक्शन होता है दोस्तों, वोट बैंक का राजनीति और वोट बैंक का इलेक्शन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आसपास के जितने भी छात्र रहते हैं आप लोग बिल्कुल वहाँ पर धरना स्थल पहुँचे, और पहुँच करके दोस्तों आप लोग अपनी एक छोटी सी क्लिप बना करके शेयर कीजिए। मेरा जो है इंस्टाग्राम आईडी है पंकज एडुटेक, अगर आप लोग मेरी इंस्टा आईडी पर अगर पोस्ट करना चाहते हो तो पोस्ट कर देना, PANKAJ पंकज एडुटेक, जो मेरे नाम से चैनल है ना वही अगर आप सर्च करोगे तो आपको आराम से ईजिली मिल जाएगा इंस्टाग्राम में, ठीक है, मुझे फॉलो भी कर लेना दोस्तों। वहाँ पर जो आपकी क्लिप होगी इकट्ठा होने की गैदरिंग की, वो क्लिप मुझे आप लोग प्रोवाइड करना, ताकि मैं यहाँ पर सोशल मीडिया पर आप पोस्ट करूँगा, जिससे कि आपको उस पोस्ट के माध्यम से बाकी जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो वो भी आसपास इकट्ठा हो सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट है ये तभी आ सकती है जब तक हम वहाँ पर पहुँचेंगे नहीं, तो जितनी संख्या में आसपास के लोग रहने वाले हो पहुँचो। जो मैंने बात बताई है कि जो एक पेज पर आपको लिखना है पावर कॉर्पोरेशन के नाम से ज्ञापन, आप लोग ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये जो है आपके एक एविडेंस रहेगा आपके पास, ताकि उनको लगेगा कि हाँ इतने संख्या में वो बताएँगे, हाँ इतने संख्या में छात्र आए थे, इतने लोगों ने ज्ञापन दिया है, नंबर रहेगा, ठीक है, 100 लोग आए थे, 150 लोग, 200, मैं ये उम्मीद करता हूँ कम से कम 500 प्लस लोग कल इकट्ठा हुए और कॉर्पोरेशन में जा कर के वहाँ पर, हालांकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, और इकट्ठा होने के बाद जैसे कि और भी यूट्यूबर है, आप लोगों ने देखा होगा कि OCN आर के वर्मा हैं, वर्मा भाई हैं, और एक OCN करके एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने भी कहा है कि मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे कर करके जितने भी यहाँ पर टीचर वाले टीचर इकट्ठा हो रहे हैं उनसे भी आप लोग हेल्प लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो मैंने बात बताई आपको, जो क्लिप आपके पास जो क्लिप बनेगी 1-2 मिनट की, आप लोग इंस्टा बनाकर मुझे पोस्ट कीजिए, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पर पंकज एडुटेक पर पोस्ट कीजिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके, सॉरी बाकी लोगों को पता चल सके, क्योंकि मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा, ताकि वो लोगों को पता चले कि हाँ सच में जो है यहाँ पर लखनऊ में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। JEE वैकेंसीज को लेकर के यहाँ पर बहुत सारे छात्र कमेंट्स कर रहे थे कि JEE की वैकेंसीज को लेकर क्या करना है, तो कल का जो मुद्दा रहेगा JEE और TG2 टेबल ऑपरेटर ITI संबंधित जितनी भी भर्तियाँ अपकमिंग होती हैं उनको लेकर के यहाँ पर मुद्दा रहेगा, और कल यहाँ पर पावर कॉर्पोरेशन विभाग शक्ति भवन में आप लोग इकट्ठा होकर के ज्ञापन देना है। कोई एक ऐसा प्लेस ढूंढना है जहाँ पर सब लोग इकट्ठा हो सके, क्योंकि
इलेक्शन से पहले का माहौल है, थोड़ी सिक्योरिटी बनानी पड़ेगी, थोड़ा शांति से। वहाँ पर आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना है कि वहाँ पर तोड़ फोड़, शोर शराबा या आवारा की तरह घूमना, इधर उधर शोर व शराबी मचाना इस तरह का नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से करने से हमारे ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोग इकट्ठा गैदरिंग होकर के शांतिपूर्वक आप लोग जो है ज्ञापन देना है और वहाँ पर अपना अपनी बात रखनी है। किसी एक दो मेंबर को वहाँ पर लीडरशिप के लिए बनाना है ताकि वो हमारी बातों को पहुँचा सके अंदर तक, और बाकी आप लोग की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी दोस्तों मैं अगली वीडियो में बात करूँगा आपसे, कुछ जो भी इम्पॉर्टेंट बातें होंगी आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आप लोग आ रहे हो, आसपास के रहने वाले हो कि या फिर नहीं आ रहे हो। ठीक है, बाकी जो अपडेट होगी दोस्तों हम वीडियो के माध्यम से मिलने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जय हिंद।